देखो मैं पहले बता देता हूं, देखिए आप नर्वस सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे, कॉकरोच दिख रहा है डायग्राम से, दिख रहा है? यस ठीक है, देखो इसमें कॉकरोच में सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है, तो जो गैंग्लिया है ये देखिए, फ्रंटल गैंग्लिया इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे आगे की तरफ। तो फ्रंटल गैंग्लिया एक ऐसे रिंग है ना, ये सरकम ऑसोफरंगल ठीक है, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं ठीक है, काम्यूसोर लिखा हुआ है। इस रिंग में आगे की तरफ ये जो निकली है दे आर फ्रंटल गैंग्लिया, तो आगे की तरफ दो गैंग्लिया निकलती होती है, दो न्यूरॉन्स निकली होती है, इनको हम फ्रंटल गैंग्लिया बोलते हैं। सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया ठीक है ना, ये एक रिंग की तरह होती है, ये ईसोफेगल ईसोफेगस के ऊपर पाई जाती है। अब उसके बाद आते हैं प्रो थोरेसिक गैंग्लिया, थोरेसिक मतलब लंग्स वाले पार्ट में, मीजो थोरेसिक गैंग्लिया, मेटा थोरेसिक गैंग्लिया ठीक है। तो ये तीनों थोरेसिक वाले पार्ट की होंगी। फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गई है, सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के छह एब्डोमिनल गैंग्लिया है, यहां से लेकर के प्रो मीजो और मेटा है ना, तीनों सेक्शन की ये थोरेसिक गैंग्लिया हो गई, और ऊपर ये सब ईसोफेगल है, ऊपर सुप्रा, तो सब ईसोफेगल ईसोफेगस के नीचे वाली गैंग्लिया, सुप्रा ईसोफेगल ईसोफेगस के ऊपर वाली है ना, और ये सरकम ईसोफेरिंगल कॉमिश्योर, ये एक रिंग की तरह है जो ब्रेन का फंक्शन करती है ना। अब आ जाइए, कुछ गैंग्लिया यहां से निकल करके इधर आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगल नर्व। ये ईसोफेगस में इसके नर्व आ जाती है ठीक है, ये नर्व कॉर्ड है, ये क्रॉप में मतलब डाइजेस्टिव वाले पार्ट को कंट्रोल करती है ठीक है, और ये यहां से जो निकलती है ब्रेन के पार्ट से जो निकलती है स्टमक वाले पार्ट में, क्रॉप वाले पार्ट में आती है, इसको हम लोग रिकरेंट नर्व कहते हैं ठीक है। ये डायग्राम नोट कर लीजिए, आपको जितने मैंने पार्ट अंडरलाइन किए वो पार्ट आप नोट कर लीजिए। सर ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ ये बेटा फर्स्ट स्लाइड है, ओके नर्वस सर। सिस्टम जो कॉकरोच का बचा हुआ, तो वो मैं दिखा रहा हूं।
नोट कर लेना तो भाई मुझे मैसेज करिएगा जरूर। डन हो गया भाई? नो सर। ओके डन हो गया भाई लोगों? यस सर डन। चलो ठीक है सर। यस सर। ठीक है तो सबका हो गया है ना? चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, हालांकि आपसे पूछा जाएगा तो डायग्राम ही पूछा जाएगा, नर्व सिस्टम को पूछा भी गया या सर्कुलेटरी सिस्टम में पूछा गया तो डायग्राम ही पूछा जाएगा। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच मेडअप ऑफ अ सीरीज ऑफ मेडअप ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंगलिया
measure made up of a series of fused ganglia. Full stop. They are joined by longitudinal. They are joined by paired longitudinal connectives on ventral side. Next point. So please repeat the last line again. They are joined by paired longitudinal connectives on ventral side. Next point. There are three ganglia. There are three ganglia in thorax. That is. So three ganglia in thorax. 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 Yes. That is prothoracic. Prothoracic, comma, mesothoracic. And prothoracic, mesothoracic, and abdominal ganglia. Sorry, and metathoracic ganglia. And metathoracic ganglia. Full stop. There are six ganglia in abdominal part. Abdominal part. Next point. The head hold a bit of nervous system. The head hold a bit of nervous system. कौन सा? बस वही frontal ganglia head में पाई जाती हैं. Frontal ganglia का भी थोड़ा सा part. The head hold a bit of nervous ganglia. The rest of the part of nervous system situated in the lower part of body. The rest of nervous system is situated in the lower part of body. Full stop. इसी में continue लिखेंगे. That's why if head of cockroach is cut off, if head of cockroach is cut off, it will remains live for 1 week. It will remains live for one. हाँ क्यों बेटा? इस कट ऑफ के बाद. कट ऑफ. Then it will remains alive for 1 week. Next.
कॉकरोच हैव कंपाउंड आई, सिचुएटेड एट, कॉकरोच हैव कंपाउंड आईज सिचुएटेड एट डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड. So situated at compound eyes have sorry cockroach have compound at dorsal मतलब ऊपर की तरफ dorsal surface of head dorsal surface of head each eye. अब देखो ये इसकी आंख हो गई जो ऊपर की तरफ होती है, obviously ऊपर की तरफ होती है. अब आंख मैंने बताया कि मल्टीफेसेट होती, छोटी छोटी इस तरह से हेक्सागोनल प्लेट से मिलकर आईज बनी होती है, इस तरह से हनीकॉम लाइक, ठीक है, और सभी इंसेक्ट की ऐसी बनी होती है ना. ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया. ओमेटीडिया हेक्सागोनल ओमेटीडिया ईच ओमेटीडिया रिसीव डिफरेंट इमेज. हर पार्ट में अलग इमेज बनती है. This kind of vision is called mosaic vision. और इस तरह की आईज को हम लोग कंपाउंड आई कहते हैं, जो टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है, कंपाउंड आईज, या इनको हम फैसेट भी बोलते हैं, फैसेट. और इस तरह की आईज को हम मल्टी फैसेट आई भी बोलते हैं, मल्टी फैसेट आईज. तो चाहे आप इनको कंपाउंड आईज बोलिए, चाहे मल्टी फैसेट आईज बोलिए, ठीक है भाई, क्लियर? यस सर. दिस वाज ऑल अबाउट द कॉकरोच, है ना, ये कॉकरोच का हमारा नर्वस सिस्टम था, ठीक है. अब आप लोग बताइए अर्थवॉर्म किसके, अर्थवॉर्म किसके किसके सिलेबस में है? अर्थवॉर्म है, बोलो भाई, अर्थवॉर्म किसी के सिलेबस में है? नहीं है, देखिए जनरल करेक्टरिस्टिक में अर्थवॉर्म को बता ही देता हूं, है ना, हालांकि कॉकरोच सिलेबस में लगा होता है कई सारे स्कूल्स में, कॉकरोच तो शायद आप लोगों को होगा, अर्थवॉर्म होता नहीं. किसी को हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी बताओ, है किसी के? नहीं है, अच्छा कोई नहीं, मैं जनरल करेक्टरिस्टिक कॉकरोच की बता देता हूं. कॉकरोच
ठीक है, तो हमने ओके देखो नहीं, ये अर्थवॉर्म एक्चुअली है ना आमना, हम लोग इसको कवर करते हैं उसमें क्लासिफिकेशन में कवर कर लेते हैं ना हम लोग, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लासिफिकेशन से आते हैं। फ्रॉग हमारे नीट में भी नहीं है, है? और अर्थवॉर्म से जो क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम में एनिमल किंगडम में जो हम कवर करते हैं उससे आते हैं, ठीक है। ऐसे इसके एनाटॉमी वाले पार्ट से नहीं आते, एनाटॉमी से नहीं आते, नो डाउट आते हैं, बट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उसी क्लासिफिकेशन में जो हम कवर करते हैं उससे आते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। देखो क्लासिफिकेशन में हालांकि मैं आपको इतना तो पढ़ा चुका हूँ, ये इसका प्रोस्टोमियम, उसके पीछे वाले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं। प्रोस्टोमियम हुड की तरह काम करता है, इसके नीचे माउथ होता है, इसके पीछे वाले सेक्शन को पेरिस्टोमियम बोलते हैं। जेनाइटल ट्यूबिसेंस होते हैं, है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, और ये मेल पोर्स होते हैं, है ना, और ये जैसे आपको पता है कि ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, और ये सीटी पाई जाती हैं, सीटी जो इसको चलने में मदद करती हैं, और ये इसकी बॉडी हो गई, दिस इज इसकी सेगमेंटेड बॉडी हो गई, और ये इसको चलने में हेल्प करती है, ठीक। और अर्थवॉर्म आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनिमल एनाटॉमी। आप बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, और वरना फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आपने कॉकरोच में पढ़ाया गैंगलिया, गैंगलिया का मीनिंग क्या होता है? गैंगलिया बेटा देखो ऐसा होता है कि हमारे भी बॉडी में पाए जाते हैं, सपोज दैट ये एक नर्व है ना, ये नर्व है, इस मेन नर्वस सिस्टम से जो दूसरी नर्व्स निकलती हैं, है ना, मेन नर्व सिस्टम, तो हमारी भी स्पाइनल कॉर्ड से जो तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक मेन नर्व हो गई, इससे जितने भी जो सब जो ब्रांचेस निकलती, मेन ब्रांच जो निकलती उसको हम लोग गैंगलिया कहते हैं। क्लियर? यस। इसे तो जैसे हमारा आपका क्या होता है ना कि हमारी ये क्रेनियम हो गई, है ना, ये हो गई ब्रेन, है ना, तो ब्रेन से डायरेक्ट हमारी जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ये इनको हम लोग गैंगलिया कहते हैं, ये जो नर्व्स निकलती हैं इनको हम गैंगलिया कहते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, अब देखो आते हैं सेल बायोलॉजी में भाई लोगों, है ना, तो सबसे सेल बायोलॉजी में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। So, ये ड्रॉ करना है? ये नहीं, हम लोग तो कर चुके ना उसमें एनिमल किंगडम में कर चुके ना। यस, सेम स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, तो हम लोग इसका यूज नहीं यहाँ पे हमें, है ना, तो आप देखिए आइए स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी, है ना। सेल बायोलॉजी में देखो हम लोग तीन चैप्टर पढ़ते हैं, एक तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, और दूसरा क्या है कि ये एक तो ये पढ़ते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा है सेल ये सेल साइकिल पढ़ते हैं, है ना। सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, और ऑब्वियसली स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि इवनिंग वाले बैच में मैं नेक्स्ट क्लास से कि हमें तो पढ़ रखा है, अच्छा ठीक है आमना, हाँ आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब वैसे भी आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं आमना, हम लोग जैसे मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे हम लोग खत्म करेंगे ये प्लांट फिजियोलॉजी, तो वैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, है ना सिलेबस, क्या बोलते हो? यस सर, यस सर। तो आपका सिलेबस तो पूरा हो जाएगा। अच्छा इन द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग अभी इस बैच में अवेलेबल हैं तो उनको भी बता देता हूँ कि जो इवनिंग वाला बैच है ना 7 to 8:30, उसमें मैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगा, तो अगर आप में से कोई जल्दी करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, प्लांट फिजियोलॉजी कवर अप करना चाहता है, यूर मोस्ट वेलकम, ठीक है, निष्कर्ष जी से बात करके आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो उसमें आमना हम लोगों ने वो तो नर्वस सिस्टम वो तो खत्म ही कर दिया है ना, एनिमल फिजियोलॉजी पूरी खत्म कर दी है, है ना, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी तो एकदम हवा की तरह खत्म होगी उसमें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर छोटे हैं, थोड़ा बड़ा जो भी हमें टाइम लगेगा ना वो मास फ्लो हाइपोथेसिस वगैरह जो पढ़ते हैं ना उसमें ज्यादा लगेगा, बस वही वाले चैप्टर में टाइम लगेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हम लोग सर आज ही से तो है ना प्लांट फिजियोलॉजी, आज क्लास है क्या इवनिंग में 5:30? यस सर आज है ना 5:30। हाँ तो आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है।
तो ठीक है, बाकी लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर, है ना, और सेल के स्ट्रक्चर में कौन सेल बड़ी होती है छोटी होती है ना। तो सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे। तो पहले क्या दिखाऊं, प्लांट सेल दिखाऊं, एनिमल सेल दिखाऊं, प्लांट ही सेल दिखा देता हूं क्योंकि प्लांट सेल थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो देखिए सबसे पहले आती है सेल वॉल। तो इसका काम होता है, यहां पे लिखा हुआ है इट मेंटेन द शेप, है ना, तो ये ऊपर से सेल वॉल है। और सेल वॉल के नीचे एक पतली सी लेयर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं और इसको बड़ा कर देता हूँ, डायग्राम कोशिश करता हूँ और बड़ा कर। तो देखो तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग ये सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे आप देख पा रहे होंगे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आप देख पा रहे होंगे साइटोप्लाज्म या जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कौन आ रहा है जॉन, ठीक है, देखिए उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा सेंट्रल वैक्यूल, है ना, सेंट्रल वैक्यूल है फिल्ड विद सेल सैप दैट मेंटेन द प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। तो ये क्या करती है, अपने अंदर मटेरियल फिल कर लेती है और प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, जिससे सेल फ्लैसिड कंडीशन में, मतलब कि सेल शेप सेल का बना रहता है, और जब इसके अंदर से पानी निकल जाता है तो सेल का शेप बिगड़ जाता है, है ना। इसके अंदर ये साइटोस्केलेटन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं और ये कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स पड़े होते हैं। तो मेनली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बने होते हैं, और ये क्या करते हैं सेल को मजबूती देने का काम करते हैं। ये वैसे ही जैसे कि हमारे घरों के अंदर वो लोहे की रॉड्स पतली पतली पड़ी होती हैं, वो उसको मेंटेन करने का काम करती हैं, शेप मेंटेन मजबूती देने का काम करती हैं। और फिर ये देख पा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट होगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, है ना। कुछ दूसरे प्लास्टिड्स जो पिगमेंट स्टोर, अगर एक कलर्ड हुई तो पिगमेंट जो अलग ग्रीन के अलावा दूसरे के कलर को स्टोर करने, कलर देने का काम करते हैं। पराग्जिजोम्स पाए जाते हैं, ये जितने हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन का काम करती है। गोल्गी ऑपरेटर्स एंजाइम को सिक्रीट करने का, हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। राइबोसोम्स ये आपको पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है वैक्यूल, तो न्यूक्लियस को धक्का दे देती है, इसीलिए हमेशा प्लांट सेल में न्यूक्लियस कभी बनाइएगा तो साइड में बनाइएगा, प्लांट सेल में कभी भी न्यूक्लियस बीच में नहीं पाई जाती है क्योंकि वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि उसको धक्का करके साइड कर देता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, है ना, और इसके चारों तरफ किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, और ये वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपके हुए, ठीक है। तो ये हमारे एक सिंपल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक। तो प्लीज आपको ये स्ट्रक्चर नोट करना होगा, ठीक है, और फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। ताहिरा तनवीर आज दोनों लोग गायब हैं। शिफा आप कौन हो? यस सर, आई सॉ यू फर्स्ट टाइम। यस सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके, यू आर न्यू स्टूडेंट, ओके, सो राइट, मुझे लगा कि किसी और नाम से किसी और ने लॉगिन, किसी पुराने स्टूडेंट लॉगिन किया, इसलिए जॉन, जॉन आर यू न्यू स्टूडेंट? गायब भी हो गया किसी और का, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए प्लीज जल्दी से। तो
तो कोई बात नहीं, शिफा आपने आज ज्वाइन किया हुआ है, तो हम लोगों ने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है, दिस इज न्यू यूनिट। तो लास्ट में मैं पढ़ा रहा था वो तो एक लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ से आपको होपफुली समझ में आना चाहिए। इसके पहले पढ़ रखा है कुछ? नो सर। नहीं, अच्छा कहाँ से हैं आप शिफा, किस प्लेस टू यू बिलोंग टू? अच्छा बिहार से, ओके। सर सर अगर आपने कहा था शाम वाला बैच ज्वाइन कर लेने, अगर मैं नहीं करूंगी तो सर आप बाद में वो चैप्टर करेंगे? अरे नहीं, इसमें पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, इसमें पढ़ाऊंगा। मैंने ये बोला था कि अगर किसी को जल्दबाजी हो, है ना, जैसे कई बार क्या होता है ना कि सम टाइम यू रिक्वायर दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर सेक ऑफ योर स्कूल एग्जामिनेशन, है ना, बट यहाँ पर तो क्या है, अपन एक स्पीड से ही पढ़ेंगे, है ना, उससे ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में छोड़ के पढ़ लें, है ना। तो इनकेस इफ समबडी रिक्वायर, सो जैसे कि अभी आमना पढ़ रही थी ना, तो आमना इवनिंग बैच की है, लेकिन उसने बाकी सब चैप्टर आपके बैच के ये चैप्टर उसमें नहीं हुए, तो ये सब उसने कर डाले, अब उसका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला है, सो शी विल फिनिश हर सिलेबस आफ्टर दिस प्लान फिजियोलॉजी, तो उसका अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा अगर समबडी नीड तो वो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज इस बैच में तो मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा।
हो गया डन? नो सर। यस सर। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पढ़ा चुका हूं बैक्टीरिया की, है ना, याद है ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल का तो स्ट्रक्चर वही है जो हमने बैक्टीरिया की सेल में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। अभी हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ना है। क्या भाई स्टार्ट किया जाए? सो वन मिनट। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई नहीं छोड़िएगा मत पढ़। ठीक है, चलिए अब देखो ये सेल पर कुछ कॉमन फैक्ट लिख लीजिए ना, कुछ कॉमन फैक्ट। ये मैं डायग्राम हटा देता हूँ अगर आप लोगों ने कर दिया है, और कुछ कॉमन फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। बोर्ड शेयर करता हूँ मैं। देखिए तो नोट करिए, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज बिल्ड बाई, किसने बनाया था कोई बता सकता है क्या? द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज बिल्ड बाई जैकेरियस जेंसन। जी जैकेरियस जेंसन। I'll repeat it again. The first microscope was built by Jacarius Jensen. Okay. Robert Hooke, हालांकि ये mathematician थे, was the first person who saw Robert Hooke was the first person who saw the cell. ब्रैकेट में लिखिएगा डेड सेल, डेड सेल इन कॉर्क। कॉर्क होता ना,
तो डेड सेल जो होता है कॉर्क में उसको देखने का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को. तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सॉ डेड सेल इन कॉर्क. और रॉबर्ट हुक की एक बुक है, ठीक है, उस बुक पूछा जाता है. His, the name of his book is, कोई बता सकता है? M से नाम है. Micrographia. The name of his book is Micrographia. तो रॉबर्ट हुक साहब की एक बुक है जिसका नाम Micrographia है. इस पे उन्होंने ये सेल खोजने का जो किस्सा है ये बताया है. And he given the name cellulae, जिसको हम आज की डेट में सेल जानते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने एंड ही गिवन द नेम cellulae. तो रॉबर्ट हुक जिसको हम आज की डेट में सेल डालते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने उसको खोजा और उसका नाम दिया सेल. तो डू यू हैव आइडिया कि ये हम लोग इसको, ये हम लोग जो फोन यूज करते हैं उसको भी हम सेल फोन कहते हैं ना? क्यों? यस सर. इसको भी हम सेल कहते हैं. किसको? ये सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं. हम लोग जेल को भी सेल कहते हैं और सेल फोन को भी सेल, यही सेल लिखते हैं. स्पेलिंग सबकी एक है. हम फोन को भी सेल क्यों बोलते हैं भाई? जबकि सेल का मतलब मैं आपको बता देता हूं. सेल मीन्स होता है वैकेंट रूम, खाली कमरा, लैटिन है. तो खाली कमरे को लैटिन में सेल बोलते हैं. तो सेल बोलने के पीछे क्या कारण है, कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता? बताओ भाई. कोई भी नहीं बताओ भाई. कैन somebody टेल मी? अरे बताओ भाई. देखो सेल एक्चुअली क्या, सेल बोलने के पीछे लॉजिक क्या है कि सेल इसलिए हम लोग बोलते हैं. एक मिनट रुकना, जरा मेरा पेन थोड़ा सा. देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो फोन होता है ना, तो फोन जिस फंक्शन पे काम करता है, इस तरह के नेटवर्क पूरे कंट्री में बना हुआ है. एयरटेल के पास सबसे ज्यादा टावर्स हैं, तो इस तरह से पूरा कंट्री हमारा 33 सेल्स में डिवाइड है. इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बने, उनको हम सेल कहते हैं. यहाँ पर बीच में हर शहर में एक सर्वर रखा होता है और उसमें छोटे छोटे टावर लगे होते हैं. तो हेक्सागोनल टावर बनाए जाते हैं जिससे कि नेटवर्क कैच करें. और ये सब नेटवर्क देते हैं, ये बड़े टावर हैं, ये बड़े टावर नेटवर्क देते हैं मेन सर्वर को. और फिर मेन सर्वर की तारें आपस में जुड़ी हुई होती हैं. और इसके चारों तरफ आपकी बिल्डिंग में इस तरह के छोटे छोटे टावर्स और लगे होते हैं, वो भी ऐसे हेक्सागोन में लगे होते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है सेल के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए हम सेल फोन कहते हैं. जैसे आप सेल क्रॉस करते हो ना, तो आपके पास तुरंत मैसेज आता है, वेलकम टू द हाई स्पीड इंटरनेट जोन ऑफ ईस्ट वेस्टर्न यूपी या ईस्टर्न यूपी, और वेलकम टू हाई स्पीड इंटरनेट जोन ऑफ नोएडा या हरियाणा. जैसे आप बॉर्डर क्रॉस, तो आप सेल क्रॉस करते हो ना, तो मैसेज आता है. और इसी से किसी आदमी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जो मोबाइल ट्रेस किए जाते हैं वो ऐसे ट्रेस किए जाते हैं. सपोज दैट कोई आदमी यहाँ पर है, तो उसने ये जो सब टावर है वो पकड़ रहा होगा सिग्नल. ये मेन टावर होगा, ये मेन टावर, तो ऐसे पता लगाएंगे इस सिटी में है. इस सिटी के बाद उसके कौन से सब टावर के पास में है, उसके सब टावर के पास में, तो ऐसे हम एरिया पता लगा लेते हैं कि आदमी किस एरिया में होगा. तो उससे जो फोन को ट्रेस किया जाता है ना, वो ऐसे ट्रेस किया जाता है, लोगों को ट्रेस ऐसे किया जाता है, ठीक है. इसलिए हम इसको सेल बोलते हैं. और सेल, सेल जेल को सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खाली कमरा होता है. और दिस इज ऑल्सो ए सेल, ठीक है. ये सेल के जैसा दिखाई देता है. खाली कंपार्टमेंट जो देखा गया था पहले, वो डेड सेल देखी गई थी, वो खाली कमरे जैसा दिखता था, इसीलिए इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सेल. ठीक, चलिए आगे आइए.
तो पहला लिविंग सेल किसने देखा था, कौन बताएगा? सर आफ्टर बुक के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? इसके बाद सर बुक के नाम के बाद सेलुलेई ही गिवन द टर्म सेलुलेई, ओके है ना। तो अब ये बताइए कि हु वाज द पर्सन फर्स्ट हु सॉ द फर्स्ट लिविंग सेल? सर स्कैवेंजर लिवेनहॉप। समझ, एंटोनी वॉन लिवेनहॉप। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉप वाज द पर्सन फर्स्ट पर्सन वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड द लिविंग सेल Who observed the living cell? Full stop. इसी में लिखेंगे. He observed. उन्होंने देखा क्या? मतलब living cell थी तो कौन सी cell देखी पहले? He observed bacteria, comma, protozoa, comma, spermatozoa. So RBC. He observed. He observed protozoa, bacteria, protozoa, spermatozoa, and RBC, it's extra. Next, किसमे खोजा और क्या खोजा? ये क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से आप देखिएगा जरूर आते हैं कभी मैच द फॉलोइंग में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि लिविंग सेल किसने देखा, फर्स्ट सेल किसने देखा, है ना। ये मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं इस तरह के, इसलिए इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी मेनली, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन नोट करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन, अब किसमें खोजा ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्किड रूट सेल। ऑर्किड पता नहीं क्या होते हैं? ऑर्किड रूट सेल, ऑर्किड पता है ना क्या होते हैं? ऑर्किड वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं। ऑर्किड के फ्लावर्स देखे होंगे आपने, बुके में मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। ऑर्किड उन पौधों को कहते हैं जब एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर उगाता है पूरी तरह से, उसकी रूट्स भी वही उसी के ऊपर होती हैं। तो इन ऐसे पौधों को हम ऑर्किड बोलते हैं। मेघालय में काफी सारे इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म, बहुत समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। प्रोटोप्लाज्म वाज सीन बाय, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जिसने देखा उस बंदे का नाम था, क्या नाम था बताओ? डुजारिन। प्रोटोप्लाज्म वाज सीन बाय डुजारिन एंड ही, लेकिन इसने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म नहीं दिया, ही नेम्ड इट सार्कोड। उसने इसे सार्कोड कहा, प्रोटोप्लाज्म को, है ना। तो डुजारिन ने सार्कोड कहा। हमसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म और हम कहते हैं परकिंजे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, परकिंजे PURKINJE परकिंजे एंड वान मोहल, दो साइंटिस्ट हैं परकिंजे एंड वॉन मोहल, नेम्ड इट प्रोटोप्लाज्म। भाई देखिए दोनों चीज अलग अलग हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म देखने का क्रेडिट जाता है डुजारिन को, डुजारिन ने इसको सार्कोड कहा, लेकिन परकिंजे ने बाद में इसी सार्कोड को प्रोटोप्लाज्म कहा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट,
जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, आजकल बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा, समझिए बात को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्वान, स्लाइड इन स्वान माने SCHWAN, जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाय स्वान बट इट वॉज नेम्ड बाय, मतलब उसको नाम दिया, बट इट वॉज नेम्ड बाय निगेली एंड चार्मर, सॉरी क्रैमर, निगेली एंड क्रैमर. तो निगेली और क्रैमर ने इसको नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. यहां तक तो किसी को डाउट नहीं ना, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, डाउट हालांकि होने वाली कोई चीज है नहीं इसमें. ओके, अब आइए देखिए नेक्स्ट है सेल थ्योरी. अब देखो जो सेल थ्योरी थी है ना, तो सेल थ्योरी देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, सेल थ्योरी क्या है कि मतलब सेल सेल क्या चीज होती है, तो किस चीज को अपन सेल कह सकते हैं, है ना. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं ये कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उन पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉल करता है तो हम उसको सेल कह सकते हैं. जैसे मैंने आपको वायरस पढ़ाया था और मैंने कहा था कि हम उसे सेल नहीं कह सकते, हम उसके लिए सेल टर्म नहीं यूज कर सकते, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्ट्रक्चर. तो मैंने आपको कहा था कि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, उसको हम सेल नहीं कह सकते, उसमें सेल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाए जाते. इसी तरह से सेल थ्योरी दी गई और सेल थ्योरी ये बताती है कि सेल होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. तो हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी, ठीक है, और नोट करेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज नेम्ड बाय सर पिछली स्लाइड में प्लाज्मा निगेलियन क्रैमर, निगेलियन क्रैमर. अब देखो जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनली जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, जिसने एक्चुअल में सेल थ्योरी दी वो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन स्वान, SCHLEIDEN, स्लाइडन, थियोडोर स्लाइडन इनका नाम था, एंड स्वान. यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, स्लाइडन जो थे ही वॉज अ बॉटनी साइंटिस्ट और स्वान जो थे ही वॉज अ जियोलॉजी साइंटिस्ट. तो दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी और दोनों ने मिला करके एक पेपर रिप्रेजेंट किया, है ना. तो दोनों ने मिला करके 1839 में एक पेपर रिप्रेजेंट किया और वो पेपर क्या था, दैट वाज 1893 अ ज्वाइंट पेपर वार प्रेजेंटेड एंड दिस ज्वाइंट पेपर वाज नेम्ड एज सेल थ्योरी. तो इसीलिए दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी, एक ने प्लांट में दी, एक ने एनिमल में दी, लेकिन दोनों को मिलाकर के हम सेल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, राइट. तो स्लाइडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिन्हें सेल थ्योरी देने का क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है. एक स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, वो स्टेटमेंट क्या है, आप तो ये ओमनिस, आप देखिएगा जितनी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, they have already been asked in NEET examination और कई बार आपसे NEET के examination पूछी गई, multiple time. इसलिए आप जितना जो मैं आपको लिखाऊंगा एक भी word फालतू नहीं होगा, आपको वो याद होना चाहिए, मतलब अगर मैं दोबारा पूछूं तो आपको आना चाहिए कुल बना करके. देखिए अब ये क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला. अब ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये है क्या चीज, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है सर? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स,
प्रीएग्जिस्टिंग सेल्स, हाँ चलो थोड़ा थोड़ा सही बताया। ओमनिस सेलुला ई सेलुला लैटिन है, हालांकि थोड़ा थोड़ा तो आपने आधा बता दिया आपने। देखो इसका ये मतलब होता है कि नई सेल का जो बर्थ होता है वो पुरानी सेल से होता है ना। न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुरानी सेल डिवाइड करती है, उन्हीं से नई सेल बनती है, वरना नई सेल ऐसे ही नहीं बनती, अपने आप नहीं बनती है। सो नोट करो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्वेश्चन नीट में ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट दिया किसने, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ वर्चाउ। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, वहां पर आपको नहीं याद रहेगा जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है। और अब देखिए सेल थ्योरी क्या चीज है ना, तो नोट करेंगे फंडामेंटल ऑफ सेल थ्योरी, फंडामेंटल्स ऑफ सेल थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते आइएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सेल एंड देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेल is made up of the small mass of protoplasm. Each cell made up of the small mass of protoplasm, comma, a nucleus कॉमा अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद और विदाउट सेल वॉल, विद और विदाउट सेल वॉल, आउटसाइड ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट, तो तय है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सेल्स आर अलाइक इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, ऑल सेल्स आर अलाइक in their chemical composition and physiology. Next point, activities of organism are sum total of activities of organism, are sum total of activities organism, are sum totals of activities and interconnections and activities and interaction of activities of organism are sum total of activities and interaction of constituent cells,
ठीक है भाई, तो ये थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आप जरूर याद रखिएगा, है ना। तो ये ओरिजिनल सेल थ्योरी थी जो स्लाइडिंग सॉइल ने दी हुई थी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिखिएगा, है ना। चलिए नोट करके लिखिए, नोट करके। अब देखियो क्या होता है, मैं पहले आपको बात समझा दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये कोई सेल हो गई, है ना। सेल का वॉल्यूम क्या है, न्यूक्लियस बड़ा है, सेल का साइज छोटा है। तो आप समझिए न्यूक्लियस ज्यादा अच्छी तरह से, न्यूक्लियस इसका ब्रेन होता है सेल का, जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस सेल को ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि देखो इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है, पूरी तरह से इसका जो सरफेस एरिया और प्रोटोप्लाज्म का जो मास है, दोनों का रेशियो कम है। ये प्रोटोप्लाज्म का मास और ये ऊपर की तरफ इसका जो सरफेस एरिया है, इन दोनों का रेशियो कम है, इसलिए न्यूक्लियस इसको अच्छे से कंट्रोल करता है। ऐसी सेल जो छोटी सेल होती है जिनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है और प्रोटोप्लाज्म के मास और सरफेस एरिया का रेशियो कम होता है, ऐसी सेल्स मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होती है। मतलब कुल मिलाकर के शॉर्ट में ऐसी सेल ज्यादा एक्टिव होती है। ऐसी सेल जिनमें प्रोटोप्लाज्म और जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो अधिक होता है और न्यूक्लियस कंपैरेटिवली छोटा होता है, ऐसी सेल्स मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होती हैं। जैसे कि प्लांट सेल, अगर सीधी बात की जाए तो इस टाइप की होती है प्लांट सेल, ये कम एक्टिव होंगी, और इस टाइप की होती है एनिमल सेल जो कि ज्यादा एक्टिव होती है। इसी बात को मैं आपको लिखवा रहा हूं नोट करके, क्यों ये देखिए ऐसा होता है कि यहां पर क्या है, ये आपको सेल छोटी है, सेल के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कंपैरेटिवली है ना, मतलब जितना नॉर्मली न्यूक्लियस होना चाहिए उससे बड़ा लग रहा है एक्चुअली। तो सेल के साइज के हिसाब से न्यूक्लियस बड़ा है। तुम ये वैसे ही समझो कि जैसे एक कार है, कार में इंजन बड़ा लगा है लेकिन कार का साइज छोटा है, तो कार ज्यादा पावरफुल होगी ना, है कि नहीं? Yes, sir. है ना। तो जैसे क्या बोलते हैं ये क्या कहते हैं उसको, मिनी कूपर वगैरह आती है ना, उसमें इंजन बहुत बड़ा होता है और छोटी सी कार होती है, दे आर मोर पावरफुल। उसी तरह से कार बड़ी, इंजन छोटा सा है तो वो कम पावरफुल कार होगी। सेम वे अगर किसी भी सेल में उसके सेल का सरफेस एरिया और उसके प्रोटोप्लाज्म का मास, इन दोनों का रेशियो लो है ना, रेशियो कम है, मतलब दोनों में डिफरेंस कम है। दूसरा, कंपैरेटिवली न्यूक्लियस अगर बड़ा है तो सेल ज्यादा एक्टिव होगी। उसी तरह अब यहां पर देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया और प्रोटोप्लाज्म का जो मास है इसका रेशियो ज्यादा है और न्यूक्लियस छोटा है तो सेल कम एक्टिव होगी, है ना। ये कंडीशन पाई जाती है प्लांट सेल में और ये कंडीशन पाई जाती है एनिमल सेल में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इसी बात को मैं लिखवाना चाह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर यूजुअली से विल कंटिन्यू द पॉइंट्स एट डिफरेंट पॉइंट, इट्स अ नोट डिफरेंस से कंटिन्यू ल्यूसी पॉइंट में, मतलब सेल थ्योरी नहीं, सेल थ्योरी छोड़ के इट्स अ डिफरेंट पॉइंट, नया पॉइंट है, नोट करके अलग से लिखता हूं। तो जो मैं आपको नोट लिखवाते रहूं वो समझिएगा वो प्रॉपरली नीट के ही क्वेश्चंस होते हैं, नीट के ही फैक्ट है, तो आपको नोट करके वो अलग से लिखने होंगे। अगर मैं बोलूं आपसे स्टार करके, स्टार बना के लिखो या नोट करके लिखो, तो आप समझिए वो प्योरली नीट नीट का क्वेश्चन है ना। तो नोट लिखिए, नोट। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर, मेटाबॉलिकली active cells are usually smaller due to better control of due to better control of nucleus as higher nucleocytoplasmic ratio
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था कि छोटी सेल जो होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं क्योंकि न्यूक्लियस बेटर उनको कंट्रोल करती है। अब और कुछ फैक्ट बचा, सेल का साइज नोट कर लो। The smallest cell, smallest कौन सी होती है, largest कौन सी होती है, सब factual चीजें हैं, आपको याद करने से कुछ समझने वाला नहीं है। The smallest cell are mycoplasma, मैं आपको शायद ये लिखवा भी चुका हूं जब मैं आपको मोनेरा पढ़ा रहा था। The smallest cell is mycoplasma, its size is 0.1 to 0.5 micrometer. The smallest cell is mycoplasma. Its size 0.1 to 0.5 micrometer. Next. In unicellular eukaryote, cell size is 1 to 1000 micrometer. In unicellular eukaryote, cell size is 1 to 1000 micrometer. The cell size in multicellular eukaryote ranges between 5 to 100 micrometer. 5 to 100 micrometer. Next point. Longest cell of human body. May be up to 90 centimeter. It is nerve cell. तो human की nerve cell 90 centimeter लंबी हो सकती है, ये सबसे लंबी cell है। ठीक है, और इन एनिमल द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। इट इज 170 into 150 millimeter. Weight छोड़ दो, और कितना लिखो, अब देखिए अब आ जाते हैं, आप हेडिंग सबसे पहले डालिए प्लांट सेल जो कि आपने ड्रॉ किया है ना। तो सबसे पहले आते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो पढ़ते हैं सेल वॉल, है ना। अब देखो सेल वॉल कैसे होती है, क्या होती है, ये हम लोग एक एक कंपोनेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे डायग्राम देखना पहले,
फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो देखो भाई लोगों, ये प्लांट की सेल वॉल का डायग्राम है, हाँ ठीक है, ये प्लांट की सेल वॉल का डायग्राम है। आप देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? देखो इसमें क्या है, सबसे बाहर की तरफ होती है प्राइमरी सेल वॉल, है ना, तो सबसे बाहर होती है प्राइमरी सेल वॉल, और फिर आप देख पा रहे हैं उसके बाद होती है सेकेंडरी सेल वॉल, तो ये हो गई प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और उसके बाद फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, है ना, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसके नीचे जो है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, देखो ये सेकेंडरी सेल वॉल है ना, और उसके नीचे की तरफ क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, नोट करो। चलो अब मैं आपको बताऊं कि प्लांट जो होता है, जो सेल वॉल होती है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल वॉल को क्या करती है, सीक्रीट करने का काम करती है ना, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डेड होती है, उसमें ग्रोथ का कोई चांस नहीं होता, प्राइमरी सेल वॉल इट इज डेड, है ना, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये लिविंग होती है, और यही ग्रो करने का काम करती है, प्राइमरी सेल वॉल कभी ग्रो नहीं करती, यहां पे जो बताने का पर्पस था वही था, नोट करिए, और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है।
नोट कर लिया? Done, sir. ठीक है, चलिए नोट करिए. सेल वॉल. ठीक है ऐसी का. या वी कैन स्टार्ट टुमारो. ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में यू कैन लीव. है ना, कोई क्लास इसी का, कोई क्लास होती है क्या अभी इसके बाद? ओके चलिए ठीक है ना, बाकी क्लास है तो वैसे भी सफिशियंट था, हम लोगों ने इतना कर लिया. ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्लास मीन्स टुमारो. ठीक है, टुमारो टाइमिंग, एवरीबडी इज क्लियर विद टाइमिंग? कुछ लोग गायब हैं आज, कई सारे लोग, हालांकि दे आर क्लियर विद टाइमिंग. ठीक है, और आप लोग भी देखो बंक नहीं किया करो क्लास कोई भी, है ना, आया करो क्लास में. ठीक है, हाँ 12 to 2 o'clock क्लास है कल. ठीक है, तो कल मिलते हैं और सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे, होपफुली प्लांट सेल कंप्लीट कर लेंगे. चलिए सर 10 बजे से कल है, कल संडे है. कल संडे है, हाँ कल संडे है, कल संडे, हाँ 10 से बेटा. ओके सर 10 से 12. इशिका 10 से 12 है कल, और 12:30 से परसों है मंडे में. ठीक है तो चलिए कल मिलते हैं 10 o'clock और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. शिफा समझ में आया कि नहीं आया कुछ? सर आ रहा है, आ रहा है, गुड. चलिए फिर कल मिलते हैं, चलिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर, वेलकम.